तो लास्ट हमने पढ़ा था, एक तो वेरिएबल्स हमने पढ़े थे, ठीक है, वेरिएबल्स बनाने का क्या क्या तरीका होता है, उसके कौन से नाम हम रख सकते हैं कौन से नहीं रख सकते, एक नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं और एक स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए वेरिएबल बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर हमने ये देखा था कि हम स्क्रीन पर कोई चीज़ प्रिंट करवा सकते हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट लिख के भी कर सकते हैं, और उसकी जगह कोई वेरिएबल हो उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हो तो वो वेरिएबल डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें लास्ट देखी थी। फिर उसके बाद हमने देखा था कि दो वेरिएबल्स को आपस में प्लस माइनस भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, जो मैथ के चार ऑपरेशंस हैं बेसिक। अच्छा, उसके अलावा हमने कुछ अनफेमिलियर ऑपरेटर भी देखे थे। अनफेमिलियर ऑपरेटर एक तो था मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है, मॉड्यूलस ऑपरेटर सबको याद है क्या था, कोई बता सकता है? रिमाइंडर हमें रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, रिटर्न करता है, ये रिटर्न अभी हम सीखेंगे ये क्या होता है, ठीक है, इस रिटर्न का एक मतलब है। अच्छा, और हमने फिर ये प्लस प्लस और माइनस माइनस का एक शॉर्टकट तरीका था, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल में एक प्लस या एक माइनस कर सकते हैं। असल में एक प्लस करने के लिए शॉर्टकट क्यों बनाया, बाकियों के लिए क्यों नहीं बनाया? भाई दो प्लस करने के लिए भी कोई शॉर्टकट बना देते। किसी वेरिएबल में मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है टू, इस वक्त नंबर वेरिएबल टू में टू लिखा हुआ स्टोर है वेरिएबल में, अब उसको टू को थ्री करने के लिए शॉर्टकट है, सही है, एक प्लस या एक माइनस करने के लिए शॉर्टकट है, तो भाई दो प्लस करने के लिए भी शॉर्टकट बना देते हैं ना, वो क्यों नहीं बनाया? वो इसलिए नहीं बनाया कि प्रोग्रामिंग में आमतौर पर वन प्लस करना ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आमतौर पर जो प्लस वन है ना किसी भी वेरिएबल में जो वैल्यू है उसमें प्लस वन कर दो, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी हम थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग देखेंगे कि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका शॉर्टकट बनाया है, बाकियों का नहीं बनाया, ठीक है। अच्छा, बाकियों का भी एक शॉर्टकट है, वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बल्कि अभी बता देता हूँ, देखो मैंने ये बताया था कि यार अगर आप ये काम करते हैं ना, नम वन इक्वल्स टू नम वन प्लस वन, आप ये काम करते हैं तो इससे भी नम वन में क्या होता है, एक प्लस हो जाता है, कि भाई नम वन में इस वक्त टू था, प्लस उसमें वन किया तो वो थ्री हो गया, तो यहाँ पे थ्री क्या हुआ, रिटर्न हुआ, थ्री रिटर्न हुआ और वो थ्री जाहिर है वो नम, तो नम वन में एक्चुअली क्या होगा, वन प्लस हो जाएगा ऐसा करने से भी। अच्छा, अगर मैं टू लिख दूंगा यहाँ पे तो टू प्लस हो जाएगा, ठीक है, थ्री लिख दूंगा तो थ्री प्लस हो जाएगा। अच्छा, जब इस तरह की सिचुएशन होती है ना तो हमारे पास इसके लिए एक शॉर्टकट और है कि मैं ये ना ये हटा के ना मैं इसको बोलूँ प्लस इक्वल्स टू नम वन प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू का मतलब क्या है कि नम वन में जो कुछ पहले से मौजूद है उसमें प्लस कर दो, ठीक है, ये टू मैंने कर दिया। अब इसमें कोई भी नंबर लिख दो, 45 लिख दो, उससे क्या होगा, नम वन में जो पहले से जो चीज़ मौजूद है 45 उसमें प्लस करके नम वन में वापस डाल दिया जाएगा। तो ये एक तो वन प्लस करने का शॉर्टकट हमने ये देखा भाई प्लस प्लस माइनस माइनस, दूसरा कोई भी और नंबर करना हो तो उसके लिए भी ये शॉर्टकट मौजूद है, लेकिन जाहिर है ये ऑलमोस्ट पूरा ही लिखा है हमने इसके अंदर, यानी शॉर्टकट में कुछ ऐसा शॉर्ट हुआ नहीं है इसमें सही मानों में देखा जाए, ठीक है, लेकिन स्टिल ये तरीका बिल्कुल सही है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टू प्लस करने का शॉर्टकट जो हमने ये देख लिया और वन प्लस करने का शॉर्टकट नीचे। अच्छा, ये प्लस किया है मैंने, इसमें माइनस भी कर सकते हैं आप, ठीक है, माइनस के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है यही सेम तरीका। तो ये हमने एक शॉर्टकट देख लिया कि वेरिएबल में नंबर को प्लस करने और माइनस करने का उसी सेम वेरिएबल के। अच्छा, अब ये हो गई बात, मल्टीप्लाई मैंने कभी करके नहीं देखा, शायद हो जाता होगा लेकिन मैंने कभी करके नहीं, करके देखते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं वैसे भी आज के कोड के लिए हम, और उसमें ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। मैंने कहा index.html और मैंने कहा कि भाई स्क्रिप्ट, ओह सॉरी स्क्रिप्ट नहीं, पहले पूरा HTML लिखना पड़ेगा मुझे, और मैंने कहा H1, आज की जो हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं रिटर्न वैल्यू, ठीक है, और इसमें मैंने सबसे पहले मैं वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो दोस्त ने बताया। मैंने कहा नम वन इक्वल्स टू फाइव, और मैं इसको क्या बोलता हूँ अब कि नम वन मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। अच्छा, प्लस इक्वल्स टू को भी हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, जस्ट हमने थ्योरी देख ली उसकी, तो उसको पहले प्लस वाले को चला के देखते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले प्लस वाला शॉर्टकट जो उसको चला के देख लिया, उसको कंसोल करवा लिया, पहले तो देखें प्लस वाला भी काम करता है या
यहाँ पे मैं गया और मैंने ये कॉन्सोल अपना ओपन कर लिया। कॉन्सोल पे देखो 10 प्रिंट हो गया। 10 प्रिंट होने का मतलब क्या है कि पहले से 5 था, इसमें मैंने 5 प्लस करवा दिया। अच्छा अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको, मैंने कभी करके नहीं देखा मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या होता है। सही है यार, मल्टीप्लाई भी चल रहा है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड भी शायद मॉड्यूलस भी कर पाए आप, मॉड्यूलस भी करके देखते हैं। हाँ यार मॉड्यूलस भी चल रहा है, ज़ीरो आ गया, ठीक है। 5 मॉड्यूलस 5 ज़ीरो होता है। ये नहीं, मिसाल के तौर पे मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, मुझे नम वन में चेंजेस करनी है ना, तो इसका जो फुल तरीका होता है वो क्या होता है, वो ये होता है नम वन इक्वल्स टू नम वन और मल्टीप्लाई बाई 5। ये है फुल तरीका और ये है शॉर्टकट तरीका। ये साइड बाई साइड हो गया अब, तो आपको बेहतर शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। थोड़ा जूम इन भी कर देता हूँ इसको। ये जो सेलेक्ट हुआ है ये शॉर्टकट तरीका है और ये है इसका फुल फॉर्म, अगर फुल फॉर्म में कोई लिखना चाहे तो। समझ आ रहा है दोनों का फर्क? हाँ हाँ, नम वन की वैल्यू अपडेट नहीं होगी ना अगर। देखो आप ये कह रहे हो, आपका वाला भी लिख के देख लेते हैं। आप ये कह रहे हो कि नम वन प्लस 5, तो इससे नम वन में जो कुछ था, अभी मिसाल के तौर पे नम वन में 3 था, इमेजिन कर लो, ठीक है 3 कर देता हूँ ऊपर, मैं इन सबको रोक देता हूँ। नम वन में इस वक्त 3 है, 3 में हो गया प्लस 5, तो ये दोनों मिल के 8 हो गया, लेकिन 8 हुए हैं सिर्फ। मैंने इस स्टेटमेंट में, इस जुमले में कहीं पे ये नहीं बोला है कि नम वन की वैल्यू को चेंज करो, मैं ये नहीं बोला मैंने, ठीक है। वो बोलने के लिए फिर मुझे बताना पड़ेगा। मैंने कहा नम वन की वैल्यू को चेंज कर दो, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, ये जो इक्वल्स टू है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो अब मैंने बोला है कि भाई नम वन में कुछ रखवाना है मुझे, असाइनमेंट ऑपरेटर करवाना है, और ये दोनों मुझे क्या रिटर्न कर रहे हैं, नम वन में इस वक्त क्या था मौजूद, 3 मौजूद था, तो यहाँ पे 3 रिटर्न होगा। यहाँ पे 3 क्या हो गया, रिटर्न हो गया। रिटर्न होने का मतलब है कि जो वेरिएबल था वो खुद हट जाएगा, जब मेरा कोड रन होगा ना तो वेरिएबल जो है वो खुद हट जाएगा, उसकी वैल्यू वहाँ पे आ जाएगी, एंड दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड रिटर्न वैल्यू। तो ये रिटर्न हो गया। अच्छा अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों मिलके जब एग्जीक्यूट होंगे, जब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, तो ये दोनों मुझे क्या रिटर्न करेंगे, इन दोनों का सम रिटर्न करेंगे, यानी मुझे ये 8 रिटर्न करेंगे, तो 8 नम वन में चला जाएगा। ये इस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, सही है। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ दोबारा, देखो अब। लेकिन अगर अब तुम्हारा ये वाला हटा देते हैं ना, ये आप कह रहे हो कि सिर्फ नम प्लस वन, तो ये नम प्लस वन ने मुझे यहाँ पे 8 रिटर्न तो कर दिया, ये 8 रिटर्न हो गया, लेकिन इस 8 ऐसे आगे खड़ा हो गया। अब इस 8 का क्या करें, ना ये प्रिंट होगा, ना ये किसी वेरिएबल में जाके सेव होगा, ये हवा में गुम हो जाएगा। अगर कहीं से भी हमें कोई वैल्यू रिटर्न मिलती है, तो मुझे क्या करवाना होता है, या तो उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराना होता है, या तो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करना होता है। अगर मैंने ये दोनों काम नहीं किए तो वो हवा में गुम हो जाती है वो वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू पकड़ में नहीं आती मैं। सही है, इसको ऐसे इमेजिन कर लें कि कहीं पर गैस की पाइपलाइन है, उसमें सुराख हुआ हुआ है, गैस निकल रहा है, ठीक है, तो वो इसी तरह हवा में वो गुम हो जाता है गैस, वापस हवा से ही एक्सट्रैक्ट किया हुआ होता है उस गैस को, वो हवा में ही दोबारा मिक्स हो जाते हैं जाके। अच्छा अच्छा तो ये हमने देख लिया शॉर्टकट थोड़ा सा ना, इसको पूरे को आप कॉन्सोल को कमेंट कर देते हैं। अब हम आज का टॉपिक देख लेते हैं, रिटर्न वैल्यू जो है ना उसका हम टॉपिक देख लेते हैं। देखो जावा स्क्रिप्ट के अंदर, ये मैं जावा स्क्रिप्ट स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, ये हर लैंग्वेज में नहीं होता। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हर स्टेटमेंट कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है, या हर लाइन या कोई भी बात आप लिखते हैं ना, वो आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करती है। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 5, ठीक है, और मैंने ये ऊपर वाली बात ही रिपीट कर दी। तो अब ये जो ए प्लस 5 है ना, जो जब मेरा प्रोग्राम रन होगा ना, तो ये ए यहाँ से खुद हट जाए, क्योंकि ए डजंट मीन एनीथिंग, ए का कोई मतलब नहीं होता, वो वेरिएबल है,
ये ए डजेंट मीन एनीथिंग टू प्रोग्रामिंग, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है ना प्रोग्रामिंग को वो वैल्यू दिखती है। तो प्रोग्राम जो होता है जावास्क्रिप्ट हमारा, वो हमेशा इस ए को क्या देखेगा, इस ए को 5 के तौर पे देखेगा हमेशा, ठीक है। तो ये जब प्रोग्राम रन होगा ना तो ये खुद हट जाएगा, ऐसे यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये दोनों मिलके क्या करेंगे, ये दोनों जब एग्जीक्यूट होंगे तो एक वैल्यू रिटर्न होगी और वो होगी 10, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये 10 ए के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है ना एग्जीक्यूट होगा। अच्छा ये जो मैंने अभी चीज़ की है आपके सामने, इस चीज़ को हम कहते हैं ड्राई रन, कि प्रोग्राम असल में रन कैसे होगा वो अपने ब्रेन में उस चीज़ को सिमुलेट करना, कि अच्छा यार प्रोग्राम जब चलेगा ना तो कुछ इस तरह से स्टेप होंगे इसके, दैट इज़ कॉल्ड क्या, ड्राई रन। तो हम जितना भी कोड यहाँ पे लिखेंगे हम पहले उसको चला के नहीं देखेंगे, पहले उसको हम ड्राई रन करेंगे, क्योंकि आप तो सीख रहे हैं लेकिन मैं तो एक्सपर्ट हूँ ना अभी, तो मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊँगा पहले मैं उसको ड्राई रन करूँगा आपके सामने, ठीक है। ताकि आपके ब्रेन के अंदर एक वायरिंग बनाना चाहता हूँ मैं, कि आप कोई भी प्रोग्राम देखें ना तो आपको देख के समझ आ जाए कि ये हो क्या है, एक वायरिंग ऐसी। जब आप ये ड्राई रन बार बार करेंगे ना तो आपके ब्रेन में एक वायरिंग ऐसी शुरू हो जाएगी जो प्रोग्राम को देखते ही समझेगी फिर कि यार ये हो क्या है। अच्छा जब देख के समझेगी तो फिर उसको रेप्लिकेट भी करेगी, उसको बनाना भी सीखेगी। अच्छा जब हम यहाँ पर ड्राई रन उसको कर लेंगे इस क्लास में, मैं जब ड्राई रन कर लूँगा तो फिर हम उसको एक दफ़ा ब्राउज़र में भी चला कर देख लेंगे कि हाँ यार जो हमने ड्राई रन किया क्या ऐसा ही है या कुछ मुख्तलिफ है, ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि हाँ यार हमने सही ड्राई रन किया, हम उसको एक बार चला के भी देख लेंगे, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हमें शायद चला के देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर इसका रिजल्ट यही होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट अगर अचीव हो गया तो मैं ये समझूंगा कि प्रोग्रामिंग आपको आ गई, ठीक है। अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं है, जावास्क्रिप्ट जस्ट लैंग्वेज, लेकिन प्रोग्रामिंग जो है ना अगर वो आ गई ना आपको तो फिर लैंग्वेज मैटर नहीं करती, आप किसी भी लैंग्वेज पे काम करें चीज़ सारी वही है, प्रोग्रामिंग जो है वो अलग नहीं है, लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन प्रोग्रामिंग एक ही है। मिसाल के तौर पे मुझे पानी चाहिए अगर, तो मैं उर्दू में क्या बोलूँगा, मुझे पानी दो। अंग्रेज़ी में क्या बोलूँगा मैं, गिव मी सम वाटर। लेकिन क्या पानी चेंज हो गया, पानी तो वही है ना, प्यास भी वही है, पानी भी वही है, लैंग्वेज चेंज हुई है सर, बात में सेम कह रहा हूँ, बात में वही कह रहा हूँ कि मुझे पानी चाहिए। तो इसी तरीके से कंप्यूटर से जब आप कुछ बोलते हैं ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, असल में कंप्यूटर से आप बात कर रहे होते हैं कि भाई ये कर, आप उसको हुक्म दे रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि यार ये करो, तो वो इंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होगा कभी भी, लैंग्वेज चेंज होगा बात, लेकिन वही पानी मांग रहे हैं तो पानी मांग रहे हैं आप, ठीक है। आप अगर आपके घर में कोई काम करता है, आप उसको कह रहे हैं कि यार जाओ क्या कहते हैं टेबल साफ़ कर दो, तो टेबल साफ़ करना जो है वो किसी भी ज़ुबान में बोलेंगे आप तो वो टेबल साफ़ करना चेंज नहीं होगा। तो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग इसी तरह है, लैंग्वेज कोई सी भी हो, इफ़ एल्स फॉर लूप जो हम इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे सारा, ये चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट सारे वही हैं। तो कोई एक लैंग्वेज अगर ज़िंदगी में आपको अच्छे से आ गई ना तो आपकी प्रोग्रामिंग के मसले हल हैं सारे, ठीक है। फिर प्रोग्रामिंग के बाद वाली जो चीज़ें वो इंशाल्लाह आप सीखेंगे, सीखने का मरहला तो ज़िंदगी भर चलता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में बाद में आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यार अबे यार पाइथन सीखनी है मैंने, पाइथन में भी यही हो रहा है, अब बोले यार रस्ट सीखनी है, रस्ट में भी यही हो रहा है भाई, सब में यही हो रहा है, ठीक है, लैंग्वेज एक ही है सारी। अच्छा तो हमने रिटर्न वैल्यू की एक एग्जांपल देखी, अब हम देखते हैं एक दूसरी एग्जांपल। अच्छा एक दूसरी एग्जांपल जो हम देखते हैं वो भी हम कौन सी देखेंगे, वो भी हम पहले कर चुके हैं वही वाली देखेंगे। क्या देखेंगे भला हम, मैंने कहा यार लेट num1 equals to 3 plus 2 divide 23 multiply by 2 और फिर minus 3 भी कर दिया मैंने लास्ट में। हाँ भाई इस प्रोग्राम को अब मैंने करना है ड्राई रन, क्या इसका रिजल्ट आएगा बताओ, सबसे पहले कौन सा वाला काम होगा पहले तो ये बताओ। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बॉड मास के रूल के मुताबिक, अच्छा डिवाइड होगा, अच्छा तो पहले डिवाइड हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 23, नहीं इसको उल्टा कर देते हैं, 23 इधर कर देते हैं बल्कि 24 और इधर 2 कर देते हैं ताकि आंसर ना पॉइंट्स में ना जाए, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 2 ये मैंने पहले कर दिया, तो इसने मुझे रिटर्न क्या किया, 12 रिटर्न किया,
ये रिटर्न वैल्यू की एक दूसरी एग्जांपल हम सीख रहे हैं अभी। अच्छा अब कौन सा काम होगा? अब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किया मैंने, ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? 24 रिटर्न करेगा। अब कौन सा काम होगा? प्लस हो जाएगा। ये क्या रिटर्न करेगा मुझे? 27 रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा? 3 कम किया तो 24 दोबारा हो गया, ये रिटर्न हो गया। और ये 24 कहाँ चला जाएगा? नम वन के अंदर। और ये पूरी स्टेटमेंट मुझे क्या रिटर्न करेगी? अनडिफाइंड। सही है, ये पूरी स्टेटमेंट मुझे क्या देगी? अनडिफाइंड देगी। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अगर कोई भी चीज़ है ना, वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रही तो अनडिफाइंड ज़रूर करेगी, ज़रूर करेगी। जावास्क्रिप्ट में हर लाइन कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करती है। तो ये जो लाइन है ना पूरी, मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ सारा, ये वापस आ गया सारा कुछ। ये पूरी की पूरी लाइन जब चलेगी ना, तो ये क्या रिटर्न करेगी? अनडिफाइंड। सही है। तो अब इसको पहले तो नम वन को प्रिंट करवा देते हैं कि जो हमने रिजल्ट निकाला था ना, आया कि वही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा। रिफ्रेश करना था ना इसको। अच्छा 24, हाँ भाई वही रिजल्ट आ गया जो हमने निकाला था। अच्छा ये पूरी लाइन जो है अनडिफाइंड रिटर्न करेगी, ये मैंने ऐसा बोला। इसको वेरीफाई कैसे करें? इस पूरी लाइन के पीछे ना पहले यहाँ पे क्या लगा देते हैं, लेट किसी भी नाम से एक वेरिएबल बना दिया मैंने, लेट रिटर्न वैल्यू ऐसे कर दिया मैंने। ठीक है, लेट रिटर्न वैल्यू करके कोशिश करते हैं इसको वेरीफाई करने की। नहीं भाई ये तो एरर दे रहा है, चलो इसको किसी दूसरे तरीके से करते हैं वेरीफाई। हाँ इसको किसी दूसरे तरीके से वेरीफाई करते हैं, बता रहा हूँ कैसे। अच्छा आपने जावास्क्रिप्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, गूगल क्रोम का जो कॉन्सोल होता है ना इस पर भी लिख सकते हैं। मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 5, ये जो लाइन है ना जब मैं ये लिखता हूँ एंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है ना ऐसे वाला, इसका मतलब है ये मैं क्या दे रहा हूँ? इनपुट दे रहा हूँ कुछ। और ये देख रहे हो रिटर्न वैल्यू का ये निशान है, रिटर्न वैल्यू अनडिफाइंड रिटर्न किया इसने। अच्छा अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना जस्ट लिखता हूँ 2 + 3, तो देखो ये रिटर्न वैल्यू क्या बता रहा है मुझे? 5। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ कोई ना कोई बात रिटर्न करती है। जब मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ तो वो क्या रिटर्न करता है? लिख के देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने कोई भी बात लिख दी, एंटर किया, और क्या किया मैंने ये? सही है, प्रिंट जो जो करना था वो तो कर दिया इसने, लेकिन रिटर्न इसने भी अनडिफाइन किया। ठीक है, मैं रिटर्न वैल्यू समझाना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ रिटर्न करती है। अब ये थ्रू आउट द कोर्स हम ये चलता रहेगा, रिटर्न वैल्यू आखिर तक जाननी छोड़ेगी, मतलब हर जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा यहाँ पे ये चीज़ रिटर्न हो रही है, ये चीज़, ताकि ये रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट ना अभी से दिमाग में बैठ जाए, ताकि थ्रू आउट द कोर्स हम इसको वर्ड को जब भी मैं यूज़ करूँ ना, ये वर्ड जब भी मैं यूज़ करूँ रिटर्न कर रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छा ये क्या बात हो रही है। इसलिए मैं ये बात अच्छे से समझा रहा हूँ आपको। अच्छा एक बना हुआ वेरिएबल है कोई, जैसे ये ए बना हुआ वेरिएबल है, एक ए लिखा मैंने। अब मैं ए में पहले 5 था ना, अभी मैंने लिखा ए इक्वल्स टू, अच्छा देखो सिर्फ ए लिखा तो इसने तो मुझे जो वैल्यू थी सीधी सीधी वो रिटर्न कर दी। ए में जो थी ना वैल्यू, सिर्फ ए लिखा तो वो रिटर्न हो गई, अपनी वैल्यू उसने रिटर्न कर दी। अगर मैं ए इक्वल्स टू लिखूँ आगे उसके, और लिखूँ आगे 10, तो ये पूरी स्टेटमेंट, असल में मैं 10 लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि वो प्रिंट करके नीचे दिखा देता है फौरन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10, तो ये पूरी स्टेटमेंट, इसमें लेट नहीं है, ऊपर जो स्टेटमेंट में लेट था, वेरिएबल बन रहा था, इसमें लेट नहीं है, ये बना हुआ वेरिएबल है, असाइन हो रहा है एक से दूसरे में, तो ये आपको क्या लगता है क्या रिटर्न करेगा? जो वैल्यू असाइन हो रही है ना वो रिटर्न करेगा। सही है, तो मैंने 10 लिखा यहाँ पे और इसको एंटर किया, तो देखो इसने क्या रिटर्न कर दिया? 10 रिटर्न कर दिया। ठीक है, जो वैल्यू असाइन हो रही है ना वो रिटर्न किया। अच्छा अगर मैं ये लिखूँ, अगर मैं एक चलो वेरिएबल बी भी बना देता हूँ, इसको सबको क्लियर कर देते हैं, इसको सबको क्या करते हैं क्लियर कर देते हैं। मैंने कहा लेट ए इक्वल्स टू 5, लेट बी इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बोलता हूँ, अच्छा ए में क्या मौजूद है? 5 मौजूद है, बी में 3 मौजूद है। मैंने कहा ए इक्वल्स टू 10, ये तो 10 इतना हो गया,
ये पूरी चीज एक वैल्यू रिटर्न कर रही है। अगर मैं ये बोलूं ये रिटर्न वैल्यू समझा रहा हूं मैं, ठीक है, तो पहले तो ए में चला जाएगा ये 10 उठ के, ठीक है, और ये पूरी चीज ये क्या रिटर्न कर रही है, 10 जो वैल्यू असाइन हो रहा है वो रिटर्न कर रही है ना, ए में जो वैल्यू असाइन हो रही है वो यहाँ पे आ गया 10, तो बी में भी क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। तो अगर मैं ये बात लिखता हूँ, ये वाली बात, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं ए में और बी में एक ही वैल्यू असाइन करवाना चाहता हूँ। ये हमने एक तरीका सीख लिया, ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं वापस आके मैं बोलता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 5, क्योंकि वो वहाँ पे तो सेव नहीं हो रहा ना, वो कंसोल पे मैं लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड पे आ जाए, ठीक है। मैं अगर ये बोलता हूँ ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 3, अस्सलाम वालेकुम जी, फाइन भाई आ गए आप, मसला नहीं है, आप लैब वन में आ जाइएगा, क्लास ले रहा हूँ, आके ना मेरे बराबर वाली चेयर पे बैठ जाइएगा, सही है, नहीं नहीं कोई मसला नहीं। यार मैं तो सैलानी में क्लास दे रहा हूँ, यहाँ से मैं फिक्स 11 बजे फ्री हो जाऊँगा, तो मैं 11 बजे चक्कर लगा सकता हूँ, बोले तो फ़ोन कर लूँगा मैं तुझे क्लास से फ्री होगा। अच्छा सॉरी यार, 20 मिनट डिस्टर्बेंस हो गई। अच्छा तो अगर मैं इस तरह से लिखता हूँ ना, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, असल में मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये 3 जो है ना, ये इसको ए में भी डाल दो, बी में भी डाल दो, दोनों में डाल दो। लेकिन ये हो कैसे रहा है, ये अंदर की साइंस मैंने समझा दी आपको, ठीक है, कि पहले क्या होता है, पहले ये इतना चलता है, 3 उठ के कहाँ चला गया, बी के अंदर, ठीक है, और इस पूरी चीज़ ने क्या रिटर्न कर दिया, जो वैल्यू असाइन हो रही थी यानी कि 3 रिटर्न कर, तो वो 3 ए में भी चला गया, ठीक है। तो हमने ये भी एक शॉर्टकट देखा कि अगर एक ही वैल्यू दो वेरिएबल्स में डालनी हो एक साथ, तो हम ये शॉर्टकट भी उसका, और इसके अंदर का मैकेनिज्म भी समझ लिया, इसका रिटर्न वैल्यू से ताल्लुक था हमने ये भी देख लिया। अच्छा अब हम वापस आ जाते हैं ज़रा इस वाले में, मेरा ख्याल है रिटर्न वैल्यू को भी इतना ही समझते हैं, मज़ीद फिर हम जब वक्तन फवक्तन देखते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा अब ये वाला जो है ना, इस पे वापस आ जाते हैं, कॉपी किया इसको मैंने और इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ मैं, इसमें थोड़ी सी हम चीज़ ऐड करते हैं चुन्नी मुन्नी सी, मैंने कहा भाई अच्छा मैं एक आपके सामने स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, उसको ज़रा ड्राई रन कीजिएगा अपने ब्रेन में और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि ये क्या है। डिवाइड हटा देता हूँ, चलो इसमें से ना, हाँ भाई क्या लगता है इसका, इस पूरे स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा। अच्छा यहाँ पे भी मैं ए भी ऐड कर देता हूँ, सही है, इस जगह पे मैंने ए ऐड कर दिया। चलो यहाँ पे मॉड्यूलस भी लगा देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ओहो हाँ चलो, ऐसे ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, सही गलत नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सही क्या है। हाँ प्रेसिडेंस ही समझाना है असल में, जब भी मैंने ये लिखा है मॉड्यूलस जो होता है 2 मॉड्यूलस 3, यार
यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो पहले होगा। आपको क्या लगता है पहले होगा या बाद में होगा? बॉर्ड मास के रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए? पहले होना चाहिए। तो अब इसकी कहीं ना कहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए ना कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, होनी चाहिए ना। तो है, बिल्कुल है। तो मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर, सही है, ऑपरेटर्स है ना, प्लस ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर, मैथमेटिक्स के जितने भी है ना ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस क्या, किस चीज़ को कहते हैं अंग्रेजी में? कि तरजीहात को कहते हैं प्रेसिडेंस, ठीक है, कि कौन से को पहले तरजीह दी जाएगी। मिसाल के तौर पे दो लोग आए हैं दुकान पे, बेकरी पे डबल रोटी खरीदना है, तो अब दोनों में से पहले किसको दिया जाएगा? एक रूल सेट है उसके लिए, जो पहले आया उसको पहले दिया जाएगा। लेकिन इमेजिन करो कि जो पहले आया वो मर्द है, जो बाद में आया वो खातून है, तो पहले किसको दिया जाएगा? खातून को पहले दे देते हैं। आमतौर पर लोग ऐसा देखा गया है कि जो पहले आया ना वो खुद ही कहता है कि आप पहले ले लें, सही है। तो ऐसा देख, तो एक रूल सेट है। अब इमेजिन करो कि पहले जो आया था वो मर्द है, लेकिन बाद में आया था वो भी मर्द है, लेकिन वो माजूर है, वो खड़ा नहीं हो पा रहा, बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है, तो भी आमतौर पर उसको पहले दे देते हैं कि यार आप पहले आ जाओ। ज़्यादा देर खड़ा नहीं रखते आमतौर पर माजूर लोगों को, थोड़ा उनको हम एक क्या उसको देते हैं, प्रेसिडेंस देते हैं उनको, एक्चुअली प्रेसिडेंस देते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ यार चलो बंदा एक चलो खुद चल कर आया तो पहले उसको। अच्छा, तो ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है ना वो क्या है? जावास्क्रिप्ट के अंदर फिक्स है ये, देखते हैं क्या है वो प्रेसिडेंस। अच्छा, जैसे ही मैंने लिखा ना जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस, तो ये देखो पहला ही डॉक्यूमेंट आ गया मोज़िला वालों का। अच्छा, मोज़िला वालों ने ना जावास्क्रिप्ट की बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन लिखी है, मेरा नहीं ख्याल कि किसी बुक में भी इतनी अच्छी लिखी गई है आज तक जितनी अच्छी इन्होंने लिखी है। लेकिन मसला ये है कि लेंदी बहुत है ये, तो एज अ कोर्स पढ़ाई के अतबार से इसको पढ़ना मत शुरू कर दीजिएगा। लेकिन टू दी पॉइंट, जैसे अभी प्रेसिडेंस मुझे चाहिए, ये पूरी लिस्ट आ गई, ये लिस्ट मैंने आज तक किसी जावास्क्रिप्ट की बुक में नहीं देखी जो यहाँ पे इन्होंने बना के रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, चलते हैं जी आगे, चलो चलो, ये आ गया। इसका मैं URL भी लगा देता हूँ यहाँ पे ना, कैसे लगेगा ये URL? ये मैं URL कॉपी करके पहले तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, ताकि ये जो मैंने बात बताई है, ये जो लिस्ट मैंने ढूंढ के आपको दी है, ये आपको बाद में ढूंढना ना पड़े, आपके सामने मौजूद है। इसमें देखते हैं भाई, सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेसिडेंस का एक नंबर है, जिसका प्रेसिडेंस का नंबर सबसे ज़्यादा होगा ना पहले उसको काम को किया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस का नंबर किसका है? गोल ब्रैकेट का। मैथ बॉर्ड मास में ये होता है ना ब्रैकेट ऑर्डर पहले, तो किसी हद तक ये बॉर्ड मास को भी फॉलो कर रहा है जाहिर है, क्योंकि मैथ तो उसी हिसाब से होती है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ऑर्डर है। अच्छा, और देखते हैं, अच्छा कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही उसको फिलहाल इग्नोर करना, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमने पूरी अभी तक पढ़ी नहीं है, ये बहुत एडवांस चीज़ें भी इसमें जाहिर है डिस्कस हुई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, यानी कि प्लस प्लस वेरिएबल का नाम और बाद में जो प्लस प्लस लिखते हैं उसकी प्रेसिडेंस उसके बाद है, ठीक है। अच्छा, फिर पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट, इन दो, अच्छा 15 जिसकी है ना, दोनों की 15 है, ये दोनों वन गो में होगा, ये दोनों क्या होगा, ये वन गो में होगा जिसकी प्रेसिडेंस सेम है। अच्छा, तो हमने देखा पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की प्रेसिडेंस सेम है, तो ये वन गो में होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कौन सा है, और डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड रिमाइंडर, इन तीनों की प्रेसिडेंस क्या है? 12, तो ये तीनों वन गो में होगा, ऐसा नहीं होगा कि पहले पूरे को डिवाइड कर दिया फिर अगले में मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं होगा, वन गो में होगा। एक तरफ से शुरू करेगा, पहले मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद डिवाइड तो डिवाइड, फिर रिमाइंडर तो रिमाइंडर, या पहले रिमाइंडर आ गया तो प्रेसिडेंस इसकी 12 है, ये वन गो में होगा, ये वाला ऑपरेशन सारा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप और भी देखो, कुछ ऑपरेटर ऐसे हैं जिसमें एसोसिएटिविटी लिखा हुआ है, कुछ में तो लिखा हुआ है नॉट एप्लीकेबल, नॉट एसोसिएटिविटी का मतलब ये है कि ये ऑपरेशन जो किया जाएगा ये सीधे हाथ की तरफ से शुरू होगा या उल्टे हाथ की तरफ से शुरू होगा, कहाँ से शुरू होगा ये? तो देखो प्लस प्लस जो है ना, है जो प्लस प्लस है उसमें तो ऑपरेटर में
ऑपरेंड ही एक होता है, ठीक है, दो तो नहीं होते, तो सीधे उल्टे हाथ का फिर सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस पे ये नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन जैसे कि मल्टीप्लाई है, जैसे कि डिवाइड है, तो उसमें ये जो है ना एप्लीकेबल है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन, डिविजन और रिमाइंडर, इसको लेफ्ट से राइट किया जाता है, लेफ्ट से राइट। मिसाल के तौर पर अगर मैंने ये लिखा हुआ है कि जैसे टू रिमाइंडर थ्री लिखा हुआ है, या चलो थोड़ी देर के लिए इसको मैं अगर डिवाइड बना दूं, तो टू डिवाइड बाई थ्री है ये, थ्री डिवाइड बाई टू नहीं है ये, ये क्या है, टू डिवाइड बाई थ्री है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। तो जब इसको बोलूंगा मैं तो टू डिवाइड बाई थ्री है, टू रिमाइंडर थ्री बोलूंगा मैं। अच्छा, प्लस माइनस पर भी ये एप्लीकेबल वैसे तो नहीं है, क्योंकि टू प्लस थ्री करो या थ्री प्लस टू करो रिजल्ट एक ही आता है। लेकिन वेल, उसके अंदर भी इन्होंने ये मैंशन किया हुआ है कि वो क्या है, उसकी एसोसिएटिविटी है। अच्छा, तो ये हमने कुछ देख लिया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद ये 12 था, मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर 12, उसके बाद है एडिशन सब्ट्रैक्शन 11, ये भी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं आगे। उसके बाद ये लेस देन ग्रेटर देन, ये सब हमने अभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। उसके बाद बस ये सारी चीज़ें अभी तक, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा वाला है, हमने कहा ना कि a इक्वल्स टू 5, कि a में 5 रखवा दो तो जो बीच में इक्वल लगाते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या है प्रेसिडेंस, 2, ठीक है, इसका प्रेसिडेंस थोड़ी काफ़ी बाद में, ठीक है। और सबसे लास्ट में कॉमा वगैरह की, अभी वो कॉमा भी हमने ठीक से इस तरह देखा नहीं है। तो इमेजिन करो कि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ना आखिर में होना ज़रूरी थी, वरना अगर इसकी प्रेसिडेंस पहले होती तो ए प्लस प्लस करता, रिजल्ट में जाके सेव हो जाता, ये प्लस वगैरह ये सारे बाद में चलते हैं, अगर सबसे पहले होता तो अजीब सी बात होती। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस क्या है, सबसे आखिर में, यानी सारा कुछ एग्जीक्यूट होने के बाद फिर असाइन होगा वो, अगर असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने प्रेसिडेंस देख लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रेसिडेंस है वो किसकी है, प्लस प्लस और माइनस माइनस की है। तो अब ज़रा सोच के बताओ कि क्या इसका रिजल्ट होगा। यहाँ पे मैं कमेंट लगाता हूँ और कमेंट लगा के उसको मैं चलाना शुरू करता हूँ। ए प्लस प्लस रिटर्न क्या करेगा, 6 नहीं करेगा, ये रिटर्न 5 करेगा ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था ना कि बाद में जो प्लस प्लस लगा हुआ है और पहले जो प्लस प्लस लगा हुआ है उसमें फ़र्क क्या है। एक पहले प्लस प्लस भी लगा सकते हो आप बाद में से हटा के, ठीक है। तो ये पहले जो प्लस प्लस होता है ये क्या करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, या प्री इंक्रीमेंट भी बोलते हैं शॉर्ट में। ये वाला जो है ये क्या है, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट, इस ऑपरेटर का नाम है ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो मैंने कल तो मैंने शॉर्टकट बोल दिया था ना, ऐसे नाम नहीं बताया था, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ इसका नाम क्या है, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है, या शॉर्ट में आप इसको पोस्ट इंक्रीमेंट भी बोल सकते हैं, ये इस ऑपरेटर का नाम है, ठीक है। ये ऑपरेटर काम क्या करता है, पहले रिटर्न कर देता है प्लस बाद में करता है। तो यहाँ पे इस जगह पे जब ये कोड चलेगा तो क्या रिटर्न होगा, 5, लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल जो था ना ए का, ये वाला, इसको ये 6 कर देगा, यहाँ पे ये 6 हो चुका है, लेकिन रिटर्न यहाँ पे 5 होगा। अच्छा, उसके बाद आगे 3 एज इट इज आ गया, क्योंकि 3 के साथ प्लस लगा हुआ है, प्लस का अभी आगे है, ठीक है। अब बी माइनस माइनस, बी माइनस माइनस में क्या होगा, यहाँ पे भी 10 होगा, ये क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, रिटर्न पहले करेगा, डिक्रीमेंट बाद में करेगा, क्योंकि आगे लगा हुआ है बाद में करेगा, सही है। इसमें पहले होता ना अगर यहाँ पे इस तरफ होता तो फिर यहाँ क्या रिटर्न होता, या 9 रिटर्न होता, और ओरिजिनल वेरिएबल में भी 9 होएगा ऐसे, वो तो होना ही है, ठीक है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे 10 रिटर्न होगा क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। अच्छा, ये हो गया। अब आगे ए में क्या वैल्यू है इस वक्त, 6 वैल्यू है, तो वो 6 ही रहेगी फिलहाल के लिए, चलो ए रहने देते हैं उसको, ठीक है। अच्छा, हमने प्लस और माइनस दोनों को निपटा लिया, अब आगे हमारे पास क्या नंबर है, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर। तो मल्टीप्लाई और रिमाइंडर ना एक वक्त में होगा दोनों, ठीक है, एक वक्त में होगा। अच्छा, एक ये भी अब सवाल है, एसोसिएटिविटी जो है ना हमारी, कि जैसे अब ये दो एक साथ लिखे हैं, तो इसको लेफ्ट की तरफ से किया जाएगा, यानी पहले इसको किया जाएगा, ठीक है, और फिर इसको किया जाएगा एसोसिएटिविटी, क्योंकि इसकी क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको ए में जो भी मौजूद था, क्या मौजूद था ए में, हमने कहा भाई 6 मौजूद है ए में, क्योंकि वो
यहाँ पे उसको इंक्रीमेंट कर चुका है ओरिजिनल वेरिएबल को, तो ए में 6 आ चुका है, तो ए में 6 था और यहाँ पे क्या था 2, ठीक है, और रिमाइंडर 3। अब अगली लाइन में इसका अगला, ये मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, वैसे तो प्रोग्रामिंग में वो एक ही झटके में सबको करता है, लेकिन हम चूँकि ह्यूमंस हैं, हम हमारा ब्रेन थोड़ा सा इस तरह से समझता है चीज़ों को। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हो गया, 5 को मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, प्लस को भी मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ, 3 प्लस 10, ये 10 वगैरह ये सब आखिर में होगा हमारे। अच्छा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ, 12, ठीक है, और 12 रिमाइंडर 3 कितना हुआ, 12 डिवाइड बाई 3 अगर करते हैं तो क्या रिजल्ट आता, 4 आएगा, 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 में कोई पॉइंट नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, तो इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये पूरी जगह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इन दोनों का जो रिजल्ट था वो अल्टीमेटली 0 आ गया। अच्छा, अब अगले गो में क्या होगा, ये सब एक साथ हो जाएगा, ये सब प्लस और माइनस की क्योंकि प्रेसिडेंस सेम है तो ये क्या होगा, 1 गो में होगा, जैसे मल्टीप्लाई और रिमाइंडर को एक 1 गो में किया था मैंने, ये 1 गो में होगा, तो 5 और 3 8 और प्लस 10 तो ये 18 हो गया। तो ये जो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई थी इसका रिजल्ट क्या आ गया, हमारे ड्राई रन के मुताबिक 18 आ गया, देखते हैं अब कि वाकई ये 18 है या क्या है। अच्छा, इसमें कोई अभी तक हमने मिस्टेक तो नहीं की, अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस बिल्कुल सही किया हमने सारा कुछ, तो ज़रा इसको देख भी लेते हैं अगर चल गया, सही है ये 18 हमारा रिजल्ट आ गया, सही है 18 आ गया, समझ आया प्रेसिडेंस। अच्छा, आम तौर पे ना ये इस तरह बहुत कम होता है, मतलब ये जो मैंने चीज़ की है ना सामने आपके, इतने सारे ऑपरेटर एक ही स्टेटमेंट में लेकर आ गया हूँ, आम तौर पे ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन आपको समझाना क्या था यहाँ पे, प्रेसिडेंस कि कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में, ये जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन है ना, लिस्ट बनी हुई है जिसका मैंने लिंक भी यहाँ पे लगा के दे दिया है, उस हिसाब से ही वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, पहले या बाद में नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर इसके अंदर क्या लगा हुआ होता, इन दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ होता अगर तो पहले इसको सिंगल वैल्यू पे इवैल्यूएट करना होता, पहले इस ब्रैकेट वाली चीज़ को, जब ये सिंगल वैल्यू पे आ जाता फिर बाहर निकलते हैं उससे, फिर बाहर वाले को करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस पे ब्रैकेट नहीं है। अच्छा, अब एक स्टेटमेंट मैं ऐसी और देता हूँ तो कर लो खुद से ड्राई रन उसको, देखते हैं फिर, ठीक है। इस वाले को मैंने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया पूरे को, और मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, ये वही ऊपर वाला रिपीट किया ना इसने, अच्छा, प्लस प्लस ए डिवाइड बाय 2, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई भी डाल देते हैं, बी माइनस 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 ए, ठीक है, और क्या इसमें डालना होता है, मल्टीप्लाई बाई, सही है, मेरा ख्याल है काफ़ी इतना। चलो इसको जल्दी से ड्राई रन करो, ये प्रेसिडेंस ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है ये अपने पास खोल भी सकते हो अगर चाहो तो, अपनी स्क्रीन पे ना लिख के खोल लो, गूगल पे जाके लिखोगे ना जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस तो ये आ जाएगी दोबारा, वैसे तो वही वाले हैं जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन जस्ट इन केस।
हाँ भाई हुआ किसी से? माइनस 20। अच्छा कोई और बंदा किसी का मुख्तलिफ रिजल्ट तो नहीं आया इससे? कितने लोगों का ख्याल है इन्होंने बिल्कुल सही लिखा, सही कैलकुलेट किया, यही आया आपका भी? चलो चला के देख लेते हैं फिर जल्दी से। माइनस 20 वाह यार क्या बात है। हाँ भाई बाकी लोगों का भी यही आया। अच्छा तो ये प्रेसिडेंस आपको समझ आ गई इसका मतलब है। अच्छा तो एक काम करते हैं फिर इसको यहाँ पे ड्राई रन करते हैं दोबारा, क्या ख्याल है? सबसे पहले प्लस प्लस ए हो जाना चाहिए, सही है? ये प्लस प्लस ए और माइनस माइनस ए तो सबसे पहले होगा, ये मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब बाद में आते हैं। तो प्लस प्लस ए जो है हमारा क्या हो गया, ए में 5 है ना, तो ये 6 रिटर्न हो गया, स्लैश उसके बाद 2 आ गया, फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर बी माइनस माइनस यानी पोस्ट डिक्रीमेंट, तो यहाँ पे 10 ही आएगा लेकिन ओरिजिनल वेरिएबल में 9 हो चुका होगा, ठीक है? अब ये प्लस प्लस ए है, ए में इस वक्त क्या मौजूद है? 6 ए में हो चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या रिटर्न होगा? पहले माइनस है तो 5 हो जाएगा, 5 आ गया, और उसके बाद मल्टीप्लाई भाई, अभी बी में इस वक्त क्या मौजूद है? बी में इस वक्त 10 नहीं है, 9 मौजूद है, ठीक है? यहाँ पे माइनस हो गया था तो बी में 9 मौजूद है इस वक्त, सॉरी यहाँ 10 हो गया ना, प्लस होने के बाद 10 हो गया, सही है? तो यहाँ पे 10 आ गया। इसी तरह किया था आपने, वो आपने 11 कर दिया, तो बस मसला हल हो गया। अब वन अगले गो में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों हो जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 2 तो 3 हो गया ये, सही है? अच्छा 3 के में मल्टीप्लाई क्या लगा हुआ है, आगे 10 लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 30 हो गया, ठीक है? उसके बाद माइनस ये वाला एज इट इज आ जाएगा, माइनस जो है ये एज इट इज आ गया, उसके बाद क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 है, 5 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या हुआ, 50 हो गया, ठीक है? अब 30 माइनस 20 रह गया, तो अगले गो में मैंने क्या किया, 30 माइनस 20 को माइनस 20 हो गया, ये मेरी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, ठीक है जी? तो हमने ये छोटा सा एक ड्राई रन करके देखा और ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश। हाँ हाँ अब अगला काम हमें क्या करना है देखते हैं, आ जाते हैं बुक में। अच्छा अगला चैप्टर है आपका एलिमिनेटिंग एम्बिग्युइटी। अगला चैप्टर क्या है, एम्बिग्युइटी किस चीज़ को कहते हैं कोई बता सकता है? अंग्रेजी में एम्बिग्युइटी का मतलब क्या होता है? नाम में क्योंकि कहानी सारी छुपी हुई है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं अंग्रेजी में जिसकी स्पेलिंग एक होती है लेकिन जुमले के मुताबिक उसका मतलब चेंज हो जाता है, पता है ना? कौन से वर्ड्स होते हैं बता सकता है कोई? हाँ एस ए डब्ल्यू सौ, हाँ सौ का मतलब देखना भी होता है और सौ का मतलब वो भी होता है, एक कटिंग टूल होता है वो भी सौ बोलते हैं उसको, तो आई सौ
सनसेट अगर मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने सनसेट को काट दिया, आई सॉ सनसेट का मतलब मैंने सनसेट देखा। और उसी को अगर किसी दूसरे जुमले में रखूँगा कि आई एम यूजिंग अ सॉ फॉर कटिंग वुड या आई एम यूजिंग अ सॉ फॉर मेकिंग माई टेबल, तो इसका मतलब है कि ये सॉ कटिंग टूल की बात होगी। तो स्पेलिंग एक ही लेकिन मतलब इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं ना अंग्रेजी में, तो इस चीज़ को कहते हैं एम्बिग्युटी। तो अगर कोई सिर्फ सॉ बोलता है ना तो वो एम्बिग्युटी है, अब के वो सॉ का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अभी इसको एआई के अंदर इसके लिए टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है वर्ल्ड लेवल कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं वर्ल्ड लेवल कॉन्फिडेंस, के जो एनएलपी है ना जो एआई है, एक तो ट्रांसलेशन में आपने पूरा जुमला बोला ना तो उसके लिए ट्रांसलेट करना आसान है निस्बतन, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ सौ बोल दिया तो वो क्या करें, तो इसको हम कहते हैं वर्ल्ड लेवल कॉन्फिडेंस। तो वर्ल्ड लेवल कॉन्फिडेंस अंग्रेजी में है किसी हद तक, लेकिन वो असल में उन्होंने ये किया हुआ है कि जो ज़्यादा मशहूर वर्ड है उसको ले लेते हैं वो, अगर सिर्फ एक वर्ड किसी ने बोला है तो, ठीक है। तो खैर, तो ये एम्बिग्युटी हो गई। अब एम्बिग्युटी ये जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं जी नमाज के लिए भेज दो, अभी भेज देता हूँ, दो मिनट दीजिएगा। ये कह रहे हैं कि यार अगर प्लस भी है मौजूद और मल्टीप्लाई भी है मौजूद एक ही मैथ एक्सप्रेशन में, तो पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले प्लस होगा, ये हम तो पढ़ चुके हैं लेकिन बुक में बात अभी आई है, हमने तो ये पढ़ ली है बात लेकिन बुक में ही अभी आई है। तो कह रहे हैं कि यार इसका ना एक तो बॉर्ड मास वाला रूल है इसके अंदर, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि यार मैं प्लस को पहले करूं, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पहले होगा, तो इसका सबसे आसान हल ये है कि आप क्या कर दो, आप ये ब्रैकेट लगा दो, ख़त्म बात। ये पूरे चैप्टर में इसने यही बात की है, कह रहा है कि आप चैप्टर ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अगर आप चाहते हो मल्टीप्लाई पहले हो तो मल्टीप्लाई पे लगा दो, अगर आप चाहते हो प्लस पहले हो तो प्लस पे लगा दो, ठीक है। कह रहा है फिर बड़ी एक्सप्रेशन है ये, आप चाहते हो ये काम पहले हो बाद में ये वाला हो तो ये ब्रैकेट लगा दो, आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है। देखने और समझने में ये आसान हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है ब्रैकेट आपकी ना डबल भी हो सकती है, कह रहा है ये डबल ब्रैकेट जो है ना इसमें क्या होगा, ये अंदर वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेगा फिर बाहर वाली को करेगा फिर उससे बाहर वाली को करेगा, या ब्रैकेट दो भी हो सकती है, तो पहले इसको अलग से करेगा इसको अलग से करेगा, दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो उसने कुछ एग्जाम्पल्स दे के बताई हैं कि इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। अब आप सब लोग नमाज़ पढ़ने चले जाएँ और इंशाल्लाह फिर नमाज़ पढ़ के वापस से ऐसे आएंगे आप, तो फिर हम क्लास को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।